अनगिनत विचारों की आंधियां यदि मन में चल रही होती हैं तो इंसान कोई काम नहीं कर सकता। हमेशा उसका फोकस एक विचार से दूसरे विचार पर गुजरता जाएगा। दरअसल इंसान वर्तमान में नहीं, उस वक्त भूत भविष्य का चक्कर लगा रहा होता है। विचारों के तेज परिवर्तन के कारण इंसान भटकता रहता है। सफलता तो दूर, एक औसत योग्यता भी हासिल करना ऐसे इंसान के लिए असंभव हो जाता है। हम में से अधिकतर लोगों के मन ऐसे ही विचारों के झंझावात में फंसे हुए हैं। अधिकतर लोगों को इसी ने निष्क्रिय बना रखा है और इसी कारण बहुतों के जीवन का नाश हो चुका है। आपने बहुतों को देखा होगा, अगर बैठे हैं तो भी कुछ सोचते हैं, चलते हैं तो भी कुछ सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं। ये विचारों की आधियां मन और शरीर को कुछ इस तरह कैप्चर कर लेती है कि इंसान को इतना ज्ञान नहीं हो पाता कि कितना समय उसने नष्ट कर दिया, क्या काम करना था ये तो वो भूल ही गया। इस कारण मस्तिष्क अशांत हो गया है। यह एक बहुत विध्वंसक परिस्थिति है, यह जीवन में बहुत बड़ा बाधक है। चाहकर भी इंसान कुछ नहीं कर पाएगा और मन में चल रहे विचार भी ऐसे होते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ज़्यादातर नेगेटिव विचार जो मन में भय का माहौल पैदा करते हैं। इसे रोकना होगा, नहीं तो शेष जीवन जल्द ही नाश हो सकता है। अगर इस तरह की मनोदशा है तो उसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहचान कर इस मन के रोग को खत्म करना होगा। ये एक प्रकार का मन का रोग ही है। जिस प्रकार शरीर में कोई रोग होने पर हम जीवन के कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वैसे इस मन के रोग होने के कारण शरीर के स्वस्थ होने पर भी हम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते, अपाहिज से बुरी स्थिति बन जाती है। विचारों का बोझ मन और दिमाग से हटाने के लिए हमें हर वो युक्ति खोजनी होगी जिससे इससे छुटकारा मिल सके। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हमें सबसे पहले इसके कारण ढूंढने होंगे। ये मन का रोग ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। खुद ही गलतियों पर गलतियां करते हैं, तो इस विचारों का बोझ मन और दिमाग से हटाने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे इससे छुटकारा मिल सके। तो वास्तव में इसकी जड़ में हमारी बुरी आदतें हैं। सबसे पहले हमें अपने उन आदतों पर नज़र डालना होगा। हमें देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी बुरी चीज़ है जो हमारी आदतों में शामिल है। हमारा मन, शरीर और दिमाग सुबह से शाम तक क्या करता है, इन तीनों को जांचना होगा। एक तरह का परिवर्तन शरीर, मन और दिमाग को देना होगा। ये परिवर्तन का प्रयास ही मन में चल रहे विचारों को उड़ाता चला जाएगा। हमें खुद पर ध्यान देना होगा, मतलब अपने दिमाग और मन पर और अपने शरीर पर। विचारों का फ्लो तोड़ने के लिए ज़बरदस्ती कुछ न कुछ काम करना शुरू करना होगा, मतलब खाली बैठना बंद करना होगा, क्योंकि खाली बैठने पर ही मन में विचारों की झड़ियाँ लग जाती हैं। इंसान बैठे बैठे वर्तमान से भूत या भविष्य की यात्रा करता है, लेकिन शरीर तो उसका वर्तमान में ही निष्क्रिय पड़ा रहता है। मन और मस्तिष्क की ऊर्जा तो भूत भविष्य की कल्पना में खर्च हो जाती है, तो हमें खाली बैठना बंद करना होगा। यदि कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के भटक जाना बिल्कुल सहज है। एक लक्ष्य बनाना होगा, एक टारगेट बनाना होगा और उसे पूरा करने के लिए शरीर, मन और दिमाग को पूरी तरह झोंकना होगा और अपनी आदतों को अच्छा से अच्छा बनाना होगा। एक भी बुराई पूरे जीवन को नाश कर सकती है, इसलिए किसी भी आदत में गलती दिखे तो उसमें तुरंत का तुरंत सुधार करें, उसे इग्नोर बिल्कुल न करें, क्योंकि किसी पानी से भरे बर्तन में एक भी छोटा छेद हो जाए तो बर्तन एक टाइम में खाली हो जाएगा। बुरी आदतें ऐसे ही हैं, छोटी से छोटी बुरी आदत भी धीरे धीरे पूरा जीवन नाश करने में सक्षम है। इसलिए यदि जान गए कि ये बुरी चीज़ है तो उसे तुरंत का तुरंत खत्म करने का उपाय सोचें। खुद को परिवर्तन में ढालते जाएं, आप जीवन निर्माण की तरफ यानी ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। आप देखेंगे कि विचारों का बोझ मन और दिमाग से धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। इस पूरी सृष्टि में हम इंसानों को सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है, इसके पीछे ईश्वर की योजना है। ये बात हम सबको पता है कि हम में से हर एक इंसान यूनिक है, अद्वितीय है, उस जैसा कोई नहीं। हम सबको ईश्वर से शक्तियाँ मिली हैं
जिनसे मन और शरीर में आई हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की कमजोरियों को खत्म किया जा सकता है। हमें अपना अधिकार और शक्तियों को पहचानना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।